स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी नाउ, जहां हम आधे घंटे में आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर एक छोटी छोटी अपडेट, साथ ही इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको कहां नज़र रखनी है ये भी आपको बताएंगे, आपको कुछ बेहतरीन कॉल्स भी देंगे और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी देते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ बिटपुन मजुमदार जुड़े चुके हैं और इसके अलावा हमारे साथ अनुज गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। शो शुरू करने से पहले एक बार आपको बता देते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है और उसके बाद एक एक करके उन पर रणनीति भी समझेंगे। शुरुआत करते हैं कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले अगर नॉन एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो सोना बड़े सेंट्रल बैंकों का नरम रुख होने के कारण देखिए हाजिर में मजबूत मांग है और MCX पर सोना की अगर बात करेंगे तो 150 रुपये की मजबूती के साथ 48,000 के ऊपर टिका हुआ है। कॉमेक्स पर भी अच्छी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है और $1820 के ऊपर कारोबार कर रहा है सोना। वहीं चांदी की अगर बात करेंगे तो दरें बढ़ाने से सेंट्रल बैंक जल्दबाजी नहीं करेंगे इस तरह की खबर आ रही है और उसका असर देखिए चांदी की कीमतों में भी दिख रहा है। 500 रुपये की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है और MCX पर 65,000 के भाव के करीब इस वक्त चांदी कारोबार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो भाव में करीब 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कच्चे तेल पर अगर नज़र डालेंगे तो ओपेक प्लस पुराने उत्पादन करार पर कायम है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में भी तेज़ी बढ़ी है। ब्रेंट में भी 1% से ज़्यादा की मजबूती और $84 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है ब्रेंट भी। और MCX पर अगर बात करेंगे तो 6100 रुपये के भाव के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो कच्चे तेल में भी ये तेज़ी बनी हुई है ओपेक प्लस के कदम के बाद। नेचुरल गैस पर अगर नज़र डालें तो रिकॉर्ड उत्पादन की खबर से यहाँ पर भी नरमी देखने को मिल रही है। अब आते हैं मेटल स्पेस में तो यहाँ पर कॉपर और जिंक दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर निकल की बात करेंगे तो यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। कॉपर में नज़र डालें तो डॉलर इंडेक्स में मजबूती से दबाव देखने को मिल रहा है। जिंक में भी दबाव है कोयले की सप्लाई बढ़ने से। निकल पर अगर नज़र डालेंगे तो फिलीपींस में उत्पादन 10% कम रहने का अनुमान है, इसके चलते यहाँ पर इस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। और एल्युमिनियम में भी कमजोरी है कोयला उत्पादन बढ़ने से, यहाँ पर भी इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये तो है मेटल शेयरों की चाल, काफ़ी मिला जुला कारोबार यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। एक एक करके समझेंगे कि क्या रणनीति यहाँ पर अपनानी चाहिए। अब आते हैं एग्री कमोडिटीज़ पर तो मेंथा ऑयल कंज्यूमर डिमांड कमज़ोर यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कॉटन घरेलू उत्पादन करीब करीब 7 लाख गांठ बढ़ने का अनुमान बताया जा रहा है, जिसके चलते कॉटन और कॉटन की कीमतों में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। हल्दी यूरोप खाड़ी देशों से मजबूत एक्सपोर्ट की मांग नज़र आ रही है। जीरा घरेलू बाज़ार में त्योहारी मांग मजबूत है, इसके चलते जीरे में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। धनिया ज़्यादा बारिश से रबी फसलों का फ़ायदा। सोयाबीन निचले स्तरों पर खरीदारी से तेज़ी इस वक्त सोयाबीन में देखने को मिल रही है। सोया तेल की अगर बात करेंगे तो मुनाफा वसूली है, उसके चलते यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। क्रूड पाम तेल अक्टूबर से ज़्यादा स्टॉक इस वक्त क्रूड पाम तेल में देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं कैस्टर की, इस साल बुआई एरिया कम होने का अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है, इस वजह से कैस्टर में भी इस तरह का एक्शन यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात हुई एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज़ में इस वक्त किस तरह का एक्शन है, एक एक करके हमने आपको बताया। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को भी दोनों को शामिल कर लेते हैं। बिटुपन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनुज भी हमारे साथ मौजूद है, एक एक करके बात करते हैं। बिटुपन पहले आपसे समझना चाहेंगे, इस वक्त तो सोने के दाम में जो तेज़ी दिख रही है, क्या लगता है आपको आगे के लिए ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है सोने में, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए फिलहाल गोल में तो लास्ट हम लोगों ने एक महीने के अंदर से हम लोग तो नीचे लेवल पे बाइंग का ही अभी तक रिकमेंडेशन दिया हुआ है। गोल में शॉर्ट टर्म में एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है 48,300 का, वो लेवल के आसपास थोड़ा आज के लिए इंट्राडे रेजिस्टेंस है और वहां तक शायद एक बार ब्रेक करने के बाद फर्दर तेजी आएगा। और अगर मैं शॉर्ट टर्म टू अभी इमीडिएट देखता हूं तो अभी फिलहाल जो सिनेरियोज है, बैंक ऑफ इंग्लैंड से थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होगा, लेकिन उन्होंने भी स्टॉप किया। और इस बार इस वीक में भी यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आने वाला काफी एक्सपेक्टेड है कि 5.8 के आसपास रीड करे, और जो ग्लोबल एक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है
जिस तरह का इन्फ्लेशन लेवल है ग्लोबली, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल में तेजी में ही रहेगा। और अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट का जो अभी मतलब इफ दे गो फॉर इंटरेस्ट रेट हाइक, और यूएस अगर यूई के ऊपर पूरा कंटिन्यूअसली थोड़ा सा स्लो डाउन करता है, तो मेरे हिसाब से एक जो ग्लोबल एक जो इकोनॉमिक जो रिकवरी है वी शेप रिकवरी, उसमें शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उदय कोटक का भी एक एक स्टेटमेंट आया था, ट्वीट भी आया था रिसेंटली, जो एक जो अननेसेसरी एक बार मार्केट में जो मॉनेटरी पॉलिसी लूज मॉनेटरी पॉलिसी, ये कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वाला सोल्यूशन नहीं होता है। और इसके कारण कहीं ना कहीं ये ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, इसके कारण गोल्ड में तेजी बनने का मेरे हिसाब से रहेगा। तो हम लोगों ने अभी तक रिकमेंड भी किया है कि कहीं किसी को भी ETF में लेना है या फिजिकल गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड को खरीद के रख सकते हो। अभी जो भाव है 48,000 के आसपास, ये कहीं ना कहीं 50,000 के प्लस के ऊपर भी दिखेगा। अगर मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं गोल्ड को देखता हूँ तो इंट्राडे में भी बाइंग है आज, थोड़ा नीचे लेवल पे करना पड़ेगा। अभी 48,090 के आसपास चल रहा है, और यहाँ एक बार थोड़ा डिप्स आता है थोड़ा सा इंट्राडे में 48,000 के नीचे 47,950 के आसपास, तो वहां पे हम लोग इंट्राडे में बाय कर सकते। और 48,300 का जो 350 का एक रेंज है रेजिस्टेंस, उससे पहले आपको निकलना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट होता है तो आपको सेकेंड लेयर ऑफ तेजी आपको दिख सकता है गोल्ड। पंकज अरोड़ा जुड़ चुके हैं और संयम मेहरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज अरोड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो समझना चाहेंगे इस बार का जो धनतेरस और दिवाली के मौके पर जो बिक्री हुई है उसमें किस तरह की डिमांड देखी गई सर? नहीं, डिमांड बहुत बढ़िया रही है इस बार। पिछले दो साल में जो कोरोना की वजह से लोग मार्केट पर नहीं निकल रहे थे, तो अब की बार वो खुल के निकले और खुल के लोगों ने परचेजिंग की है। दूसरा, हॉलमार्क लागू होने के बाद देश में लोगों का विश्वास ज्वेलरी की तरफ और ज्यादा हुआ है। इस बार 15 टन के आसपास लगभग 7500 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बिकी है, और होलसेल मार्केट में पिछले धनतेरस के एक हफ्ते 10 दिन पहले काफी बूम था, मतलब मार्केट में शॉर्टेज टाइप का था। एक अच्छा डिमांड क्रिएट हुआ, और आगे जो सीजन आ रहा है उसको देखते हुए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री का बिजनेस और तेज बूम करेगा। स्वागत है और हमारे साथ पंकज अरोड़ा और संयम मेहरा बने हुए हैं, संयम मेहरा वीसी जीजेसी के। संयम, अगला सवाल मेरा आपसे होगा ज्वेलरी डिमांड को लेकर। इस बार जो रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली है, आपको इस बार ज्वेलरी खरीदने में किस तरह की डिमांड दिखी और कंज्यूमर सेंटीमेंट में कितना कॉन्फिडेंस था इस बार? थैंक यू पूजा जी। इस टाइम पर ऐसा लगा कि कस्टमर की डिमांड बहुत बढ़िया थी, पुराने 10 सालों में सबसे बेस्ट धनतेरस रहा है ये टाइम पर। आगे आने वाले सीजन में जो शादियां होने वाली है दिसंबर से मार्च तक, उसके हिसाब से सेल अच्छी रही। नए कस्टमर्स बहुत थे, शादी के कस्टमर्स बहुत थे, बड़ा गहना खरीदने वाले भी बहुत थे, जो यंगस्टर्स थे बाकी उन्होंने छोटी ज्वेलरियों पे भी ध्यान पूरा दिया। तो ओवरऑल जो 70% ज्वेलरी का सेल हुआ, 20-30% कॉइन का सेल हुआ, काफी कस्टमर वापस आते हुए दिखे। जिस ज्वेलर्स ने काफी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से भी हेल्प किया था कोविड के टाइम पर, तो अभी काफी कस्टमर वापस आते हुए दिख रहे हैं हमारे पास। और ये सीजन हमें लगता है कि अभी नहीं, ये मार्च तक इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि काफी अच्छा सीजन है। और 8-10% जो एंटीसिपेटेड गोल्ड का रेट हाइक होगा एवरी ईयर, उसके हिसाब से भी ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लग रही है हमारे इंडस्ट्री के अंदर। ओके पंकज, आपसे भी समझना चाहेंगे, और जैसा कि अभी सायन ने भी बताया कि त्योहारी मांग तो दिख ही रही है, उसके साथ ही साथ अब जो शादी का माहौल भी आने वाला है उसमें भी डिमांड आते हुए दिखाई दे रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? नहीं, बिल्कुल जारी रहेगा। जो पिछले साल में जो कोरोना को लेकर थोड़ा सा लोगों में, कई लोगों ने शादियां की, कईयों ने नहीं करी, अब वो सीजन दिख रहा है, उसकी डिमांड अभी से क्रिएट हो चुकी है। क्योंकि धनतेरस से जिन लोगों ने खरीदारी की उनमें बहुत से लोग थे जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर की अपेक्षा गोल्ड 5% सस्ता भाव था, यानी लगभग 51,000 की जगह 48,000 के आसपास M6 थी। तो लोगों को ये है कि जब सीजन का टाइम आएगा तो भाव बढ़ेगा, और जैसे अभी पहले भी
एक्सपर्ट ने बताया कि 48,300 के ऊपर रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होता है तो वो एक बार 49,500 और 50,300 रुपए एमसेक्स जाने की संभावना है। तो ये सबको मालूम है कि गोल्ड हमेशा तेज होता है, तो जिनके शादी ब्याह होते हैं वो उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और लोगों का रुझान बाइंग की तरफ आ चुका है, पूरे कहीं पे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। ओके सैयम, आपसे मेरे एक आखिरी सवाल होगा। अब हम देख रहे हैं कि एमसीएक्स पर भी और सोने में अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और कितना ऊपर यहाँ से जा सकता है जिनको अगर अभी निवेश करना हो इन स्तरों पर, क्या अभी भी उनके लिए सही समय है? बिल्कुल राइट समय है। फेड ने इस टाइम पर टेपरिंग करने का भी विचार जो था वो भी आगे प्रोलॉन्ग कर दिया है, तो गोल्ड के रेट्स अभी शुरुआत में अभी 52,000-53,000 तक जाएंगे और मेरे हिसाब से 3 इयर्स या 5 इयर्स का टारगेट गोल्ड का 75,000 करीब रहेगा। तो उस हिसाब से अगर अभी भी निवेश करे कोई तो उसे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आने वाले सालों में। ओके चलिए, अब ये गोल्ड मार्केट को लेकर हमने थोड़ा ग्राउंड चेक लेने की कोशिश की। डिमांड काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है और क्योंकि अब इसके साथ वेडिंग सीजन की भी शुरुआत अब धीरे धीरे हो रही है तो उस पर ये तेज़ी और बनी रहेगी और डिमांड भी अच्छी दिखाई देगी। सैयम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। अब एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं, अनुज आपको भी शामिल कर लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपको क्या लगता है 48,000 के ऊपर क्या सोना टिकता हुआ नजर आ रहा है आपको? पूजा जी गुड मॉर्निंग। हम देखिए इंटरनेशनल मार्केट में $1,800 का जो स्तर था मार्केट में वो ब्रेक हुआ है और दिवाली के दिन से ही हम देखें तो 1800 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फेड ने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया है और दूसरी तरफ जो टेपरिंग का प्रोग्राम है वो भी थोड़ा सा हमें लगता है कि आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहेगा। हमें लगता है कि गोल्ड अभी पॉजिटिव वे में जा सकता है, अभी $1,820-$1,821 के आसपास चल रहा है और एमसीएक्स में 48,000 का रेट चल रहा है। हमें लगता है कि ईयर एंड तक जो हमने भी आपके ही शो में टारगेट दिया था 50,000 का ईयर एंड तक का, वो भी इंटैक्ट रहेगा। हमें लगता है कि जल्दी ही हम $1,850 से लेकर $1,870 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे और 50,000 तक का लेवल आपको फिजिकल मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पॉजिटिव में है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, इंट्राडे परस्पेक्टिव से 48,000 के आसपास मीन्स ऑलमोस्ट करंट रेट से हम खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 47,750 का रहेगा, टारगेट 48,450 तक हो सकता है। सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि 64,600 के आसपास ऑलमोस्ट करंट रेट से खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, 64,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 65,800 तक हो सकता है। तो जिस तरीके से हमने डॉलर में वीकनेस आती हुई देखी है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से एक अच्छा सपोर्ट गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया, दूसरी तरफ जो फिजिकल डिमांड बढ़ी है और ETF के अंदर भी हमने जो इन्फ्लो है वो यहाँ पर कुछ बढ़ता हुआ देखा गया है और सेंट्रल बैंक्स की जो खरीदारी है वो भी यहाँ पे काफी अच्छी रही है, हमें लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो आने वाले अगर हम 2 महीने की बात करें टिल ईयर एंड, हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर में एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिलेगा। ओके तो ये सोने चांदी का आपको रणनीति बता दी गई है, हाजिर बाजार में भी अच्छी यहाँ पर मजबूत मांग देखने को मिल रही है। और अगर आपको एक बार भाव दिखा देते हैं तो 24 कैरेट का जो भाव है वो इस वक्त 4,470 के आसपास चल रहा है, 22 कैरेट का जो भाव है वो 4,370 के आसपास चल रहा है और 18 कैरेट का भी भाव जो है वो 3,570 के आसपास ये रेट चल रहा है। तो ये सोने का हाजिर भाव हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब कच्चे तेल पर भी यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं और अगले यहाँ पर भी लगातार एक तेज़ी देखने को मिल रही है और BOA का मानना है यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिलैंड का मानना है कि $120 तक भी क्रूड जा सकता है। एक बार इस पर भी राय ले लेते हैं। बिटुपन आपसे समझना चाहेंगे, बैंक ऑफ अमेरिका ने क्रूड का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर बढ़ा दिया है, आपको क्या लग रहा है कहाँ तक जा सकता है? अगर आने वाले कुछ समय की बात करें क्या आउटलुक बन रहा है आपका कच्चे तेल पर? देखिए कच्चे तेल का जो भी आउटलुक है अगर 6 मंथ टू 1 ईयर के परस्पेक्टिव देखेंगे तो जो अभी सप्लाई जो इश्यूज है जैसे कि सप्लाई बढ़ाने के लिए जो पुश आया था वो कन्विंसिंग नहीं हुआ और OPEC इज नॉट रेडी फॉर ए सप्लाई इंक्रीज, तो उसके हिसाब से मार्केट में और डिमांड भी धीरे से अभी इकोनॉमिक जो रिकवरी है उससे मार्केट में डिमांड भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है। और एक चीज है एनर्जी जो क्राइसिस है वो भी साथों साथ चल रहा है,
जो नेचुरल गैस के कारण जो एक क्रूड ऑयल को एक सपोर्टिव मूव मिला वो भी बरकरार है। वो गोइंग फॉरवर्ड $100 के आसपास क्रूड ऑयल WTI जो क्रूड ऑयल है $100 के आसपास जा सकता है। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बताएंगे वो सिनेरियो अलग हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग होता है अभी 2-3 दिन का, अभी 16 तारीख को एक्सपायरी है। इंट्राडे सिनेरियो या शॉर्ट टर्म सिनेरियो थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है, या 878-879 डॉलर से या 85-84 का जो रेंज है वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रह सकता है, उसी रेंज में ट्रेड करेगा। फिलहाल लॉन्ग टर्म या 6 मंथ या 1 ईयर परस्पेक्टिव से तेजी है। इंट्राडे में थोड़ा सिनारियो अलग सा है कि मार्केट में शायद आज जो जो एक सेलिंग के बाद रिकवरी है, जो करेक्टिव मूव से 6360 से जो MCX में भाव गिरे थे 5900 के नीचे, तो उसके बाद से एक 200 पॉइंट का रिकवरी आया था, 200 पॉइंट का, जो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगा। इंट्राडे में शायद एक सेलिंग बन जाएगा। और 6200 जो पुट है, 6200 पुट अगर 185 के आसपास हम लोग बाई कर सकते हैं, नीचे लेवल 185 के आसपास हम लोग बाई करेंगे, 150 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 240 के आसपास टारगेट रहेगा। वो एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा, एक 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 दो दिन का ट्रेड रहेगा। लेकिन आपने जो बताया कि हाँ गोइंग फॉरवर्ड तेजी रहेगा क्रूड ऑयल में, भाव $100 के आसपास भी पहुंच सकता है। बिल्कुल, तो भाव $100 के आसपास भी जा सकता है। और बिटुपन ने राय दी है 6200 का पुट, इस लेवल पर इन लेवल्स पर खरीदने की राय होगी। अनुज, कच्चे तेल पर आप क्या रणनीति सुझाएंगे? अमेरिका ने बोला ही है कि क्रूड के भाव जो है वो $120 पर बैरल तक जा सकते हैं, क्योंकि जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि जो डिमांड है वो प्री कोविड लेवल पर जल्दी ही देखने को मिलेगी। सप्लाईज अभी भी शॉर्टेज में है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं क्रूड में कंटिन्यूसली तेजी आती हुई दिख रही है। इनिशियली जो हम टारगेट कर रहे हैं ब्रेंट का रेट करीबन $90 तक हम टारगेट कर सकते हैं। $90 के ऊपर में $100 और 120 का जो टारगेट है वो आपको देखने को मिल सकता है। फंड मार्केट में नीचे सेलिंग देखने को मिले। चलिए अनुज, आपसे वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको स्ट्रैटेजी बता देते हैं। अनुज ने कच्चे तेल में यहाँ पर नवंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है 6100 के लेवल पर खरीदी है। जो टारगेट होगा उनका 6220 का होगा और स्टॉप लॉस 6030 का होगा। ये रणनीति कच्चे तेल में अपनाने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। बिटुमन, अब आपसे मेटल पर राय लेना चाहेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी मिला जुला कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पावर सेक्टर की चिंता कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, जिसकी वजह से सप्लाई आगे बढ़ने का अनुमान है और उसी पर रिएक्ट करते हुए मेटल भी दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है मेटल्स पर और आपकी टॉप पिक कौन सी होगी? देखिए मेटल में तो जो सप्लाई इश्यूज था, सडनली एक सप्लाई जो एनर्जी के क्राइसिस के कारण जो सप्लाई इश्यूज बिल्डअप हो गया, जैसे कि जिंक का प्राइसेस सडनली एक शार्प रैली आया था, कॉपर में भी 810 के आसपास चला गया, तो कहीं ना कहीं सप्लाई वाला जो इश्यूज है वो मार्केट से निकल के अभी डिमांड पे ज्यादा फोकस है। ग्लोबल जो कमोडिटी डिमांड है, बेस मेटल का डिमांड थोड़ा सा स्लो डाउन है, चाइनीज इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, तो कमोडिटी डिमांड थोड़ा सा वीक रहेगा। अभी जो 2020 में जो डेफिसिट था कॉपर मार्केट में, गोइंग फॉरवर्ड 2022 के आसपास कॉपर मार्केट सरप्लस में आ जाएगा, वो एक्सपेक्टेशंस है। और फिलहाल के लिए जो सिनेरियो, जैसे कि सप्लाई का इशू काफी बड़ा हो जाता है कभी मार्केट में, तो फिलहाल उतना ज्यादा अगर सिनेरियो नहीं है तो मैं मान के चलता हूँ कि कॉपर में थोड़ा सा वीकनेस रहेगा, निकल लेड में भी थोड़ा सा, एल्यूमिनियम में भी थोड़ा सा हो सकता है, जिंक में थोड़ा सा भी वीकनेस रहेगा। तो अगर मैं ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से देखता हूँ तो मैं आज के आस आज में थोड़ा सा एक कॉपर में अगर थोड़ा सा पुल बैक आता है 739 या 740 के आसपास, मैं उस लेवल के आसपास कंफर्टेबल रहूंगा सेल करने के लिए। 744 के आसपास या 745 के आसपास आपको स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे लेवल पे ऐसा नहीं कि मुझे बहुत शार्प डिक्लाइन दिखेगा, हाँ क्योंकि सेलिंग आया हुआ है, तो पुल बैक में सेलिंग करने के बाद फर्दर एक 728 या 730 के आसपास मार्केट आपको नीचे लेवल पे दिख सकता है, तो पुल बैक पे आप कॉपर में सेलिंग कर सकते हैं आज। ओके, ठीक है, तो ये राय कॉपर में आपको दे दी गई है। अनुज से हमारा संपर्क वापस से जुड़ चुका है। अनुज, आपसे भी मेटल शेयरों पर राय जानना चाहेंगे। कॉपर और एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी बन रही है, क्या सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर? और मेटल स्पेस को लेकर आपका क्या आउटलुक है, आपके टॉपिक्स कौन से हैं? पूजा जी, अगर हम देखें तो बेस मेटल में हमने पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी गिरावट आते हुए देखी है, और मार्केट इस टाइम अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो ओवरसोल्ड जोन में है। तो
तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मेरा व्यू खरीदारी की तरफ रहेगा, क्योंकि इन्वेंट्री साइड अगर देखें तो वहां पर अभी भी शॉर्टेज बनी हुई है जो कि काफी सपोर्टिव रहेगी बेस मेटल के लिए। तो पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि कॉपर और जिंक को हम एज ए टॉपिक शामिल कर सकते हैं। कॉपर में करीबन 731 के आसपास खरीदारी करें, 724 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 740 से लेकर 742 तक देखने को मिल सकता है। जिंक के अंदर भी करीबन 271 के आसपास खरीदारी करें, 269 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 275 तक देखने को मिल सकता है। बेस मेटल में मुझे लगता है कि ये दो टॉपिक रहेंगी जहां पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन के आसपास है जहां से हम एक अच्छा बाउंस बैक देख सकते हैं, और फंडामेंटल भी मार्केट जो है वो अभी शॉर्टेज सप्लाई में चल रहा है जो कि मुझे लगता है कि कॉपर और जिंक में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो इंट्राडे के लिए कॉपर और जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो इंट्राडे में कॉपर और जिंक में खरीदारी करने की राय आज के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पिटूपन आपका और अनुज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक लेंगे छोटा सा ब्रेक।